दुबई के शेखों को न्योता भेजा गया है, यानी कि भारत सरकार जो है दुबई के शेखों को न्योता भेजी है, और उसमें 50 ऐसे देश है जिसमें से कुछ देश इस्लामिक देश है, और उनको न्योता भेजा गया है। यानी कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर उद्घाटन बाकी है, यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या का राम मंदिर उद्घाटन होने वाला है, और यही देखते हुए भारत सरकार ने 50 देशों को न्योता भेजा गया है जिसमें से दुबई भी शामिल है। लेकिन पाकिस्तान इस मुद्दे पे जो बोला है भाई, सुन के आप चौंक जाएंगे पाकिस्तान क्या क्या बोलता है। यानी कि पाकिस्तान इस मुद्दे पे ऐसी ऐसी बात बोला है, आपको जरूर सुननी चाहिए। लेकिन उससे पहले दुबई शेख का भी बयान है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा सीधे पाकिस्तान का वीडियो, जिसमें पाकिस्तानी हिंदू के बारे में, काफिर के बारे में और राम मंदिर के बारे में ऐसे ऐसे बात बोले हैं, आपको वीडियो क्लिप देखनी चाहिए। तो चलिए सीधे चलते हैं पाकिस्तान और उनका वीडियो क्लिप देख लेते हैं। मगर अपने मंदिर की जो प्रस्ताव है उसके वाले से अपना सब कुछ बेच बचा के वो वहाँ पे चढ़ावे पे दे देते हैं। वो एक मंदिर की बात नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी बड़े मंदिर देखें वहाँ पे मनोनी सारा सोना इकट्ठा करें टनों के हिसाब से सोना, वो पूरे वर्ल्ड पे इतना सोना नहीं जितना उनके मंदिरों में वो सोना है। जो लेकिन कभी उसको जानने की कोशिश की है, दो प्रॉब्लमें आई हैं। एक रेड गोल्फ वार्ड जो है उसमें तकसीम का मामले में आज भी हिस्ट्री में निकालें वो गलत हुआ है। दूसरा सेकंडली ये बहुत सारी रियासतें जो मुस्लिम रियासतें थी वो सराउंडिंग में दरमियान में वो मुस्लिम रियासतें थी, साइडों में हिंदू थे, इसलिए वो रियासतों को उन्होंने आज़ादी नहीं दी। बहुत दुख की बात है ये मेरे लिए भी, मैं एज अ मुसलमान हूँ, मैं अपनी शर्म का महसूस कर रहा हूँ। अच्छा। कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। जो मुसलमान अगर कोई भी अगर एक इंसान ये भाई है या कोई भी है मुसलमान, वो ये नहीं कहेगा कि वहाँ मंदिर की जगह मस्जिद है, मस्जिद की जगह, लेकिन मज़हब अपनी मज़हब वो अपना हक अदा होना चाहिए उनके लिए। ठीक है, अगर इंडिया में मुसलमान बैठे हैं वो खुश नहीं कभी भी होंगे, ये गलत बात है, वो खुश नहीं होंगे इस बात पे। वो भी मुसलमान, वो भी नमाज़ पढ़ते हैं, हर चीज़ करते हैं, अल्लाह ताला की तलावत करते हैं, लेकिन ये उन्होंने बहुत गलत काम किया। उनका कहना है कि हमने अपने मंदिर के लिए मुसलमानों से 550 साल तक लड़ाई की और बहुत सोने अपनी जो है जाने भी कुर्बान की। ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि ये चीज़ का बात तय करें उनसे, जो हमारे लिए लीडर बैठे हैं हमारे सर के ऊपर, जो आके वजन डाल के बैठे हुए हैं, हमें ना किसी की बात करने देते, हम हमारे सर पर वो बैठे हुए हैं, उन लोगों को बात से बात का जवाब दें। हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है। क्या बात है, क्या बात है। इंडिया के अंदर अगर अरब देशों को इंटरेस्ट है तो उसकी वजह ये भी है कि इंडिया के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है। सऊदी अरब कुछ नहीं कहता उसको, इंडिया के अंदर मुसलमानों पे इंडिया जुल्म करता है, तो उसको आलमी सतह पर कोई उसको कहता कुछ नहीं है। 27 करोड़ मुसलमान मजबूर हैं वहाँ पर रहने पर, मीन्स उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि इंडिया से निकल जाएं, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म ही इंडिया इस तरह का कर रहा है। और हुक्मरान अगर सपोर्ट करती है तो फिर ये बनता है, हमारे जो है ना हुक्मरान उनमें पावर नहीं है। क्या बात है, क्या बात। अगर उनमें पावर हो वो उनसे बात करें तो ये मामला इधर भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर यह मंदिर है ना तो इसकी जगह पर मस्जिद भी बन सकती थी। उन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद शहीद की है वहाँ पर, क्यों की है? उसकी वजह यही है कि हमारे हुक्मरान उनको उनसे डरते हैं। आप ये देखें ना, बादशाह मस्जिद की बैक साइड पे अंदरून में चले हैं, वहाँ पे भी मंदिर है। ठीक है, सारा पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान था ना, मंदिर तो ऑब्वियस ही बात है होंगे। हाँ जी, तो आप ये देखें, आप 500 साल पहले वहाँ पे अगर मंदिर होगा, ठीक है, बाय द चांस हो भी सकता है, हमारी पैदाइश से पहले की है वो बात है। 550 साल बहुत अरसा है जी, 15वीं सदी। हाँ जी, और वहाँ पे मस्जिद भी थी। ने कहा जबर के आगे तो कोई खड़ा नहीं ना हो सकता। मोदी को क्या समझते हैं? मोदी एक दहशतगर्द, मोदी एक दहशतगर्द आदमी। आपको पता पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान वहाँ पे है। अच्छा। उनका जीना दो बार किया हुआ, दिन दिहाड़े उनको। अच्छा। उनके बच्चे, आप न्यूज नहीं देख रही? मैं तो कुछ और न्यूज देखती हूँ। कौन से न्यूज आप? वहाँ पे तो मुसलमान औरतें कहती है मोदी हमारा भाई जान है। नो, तलाक खत्म कर दी, लैपटॉप दे दिया मुसलमानों। सरे आम उनको तलवारों से मारा जाता है, उनको कहा जाता है जय श्री राम जी बोले, ठीक है, नारे लगवाए जाते हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है। ये पाकिस्तान में अकलियत बसती है ना, हिंदू अकलियतों का क्या हाल किया? क्या क्या किया सर? मैं अभी सिंध का दौरा करके आई हूँ, सिंध में बेचारे हिंदुओं के पांव में जूता नहीं है। साजिश के तहत हो रहा है, उसमें इंडिया इन्वॉल्व है। इधर से जाते हैं उधर से साजिश करने के लिए, कोई ना कोई शोर डाल देते, इधर कोई शोर नहीं डालते। आपको पता है इंडिया ने अभी पिछले दिन जब अभिनंदन का जहाज, उस वक्त कौन सी लड़ाई थी, कौन सा झगड़ा? सिर्फ इलेक्शन की खातिर। जब भी मोदी सर वो पुलवामा, तो आपने देखा कैसे जो है पाकिस्तानी राम मंदिर के ऊपर, अयोध्या के ऊपर और दुबई शेखों के ऊपर कितना कमेंट किए हैं। तो आप इस मुद्दे में क्या कमेंट करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए सीधे चलते हैं दुबई, दुबई शेख का बयान आया है वो भी देख लीजिए आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुबई में जो भी काम करने वाले लोग हैं, दुबई में जो काम करने के लिए जाने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो पहले आप इनकी बातें सुन लीजिए।
और ये मैसेज है मेरा, ये टिकटॉकर लोग का, जो मर्द है या औरत है, तुम लोग शर्म करो, थोड़ा से शर्म करो। अच्छा तुम लोग जो भी करते है, खेल करते है, नाचते है, खाते करो, गरीब का पीछे छोड़ो, ये झूठ बोलना छोड़ो। क्या मिलते है तुम लोग उतना झूठ बोलते बोलते, आओ वीजा खरीद करो, आओ ये करो, गुनाह है तुम लोग के ऊपर। ये जो तुम लोग कर रहा है गुनाह है, तुम लोग उसके ऊपर चोरी भी कर रहा है। अभी कितना कितना लड़की आया, कितना लड़का आया, आओ वीजा खरीद करो, आओ, क्या वीजा सुपरमार्केट में मिलता है? तुम लोग शर्म करो थोड़ा से। वल्लाह वल्लाह अभी हम तो अभी हम अभी एक चीज करते हैं, हम बहुत ट्राई करते हैं उन लोग को कैसे भी फंसाएगा। हम अभी बहुत अभी हम मतलब एक लॉयर भी रखे ये चीज के लिए, क्योंकि उन लोग शर्म नहीं है। अच्छा खेलो, कुछ भी करो, जाओ डांस करो, जाओ कुछ भी करो, गरीब लोग को झूठ मत बोलो, मत बोलो आओ वीजा खरीद करो। अगर हम मालूम हो कोई भाई ऐसा बात किया, अच्छा अगर तुम लोग सकते पक्का वीजा खरीद करेगा। आपने देखा कैसे जो है दुबई से का बयान है, दुबई से गुस्से में बोलते हैं लेकिन अच्छी बात बोलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।